राजद्रोह में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस रिमांड पर चल रहे पूर्व विधायक एवं सीपीएस नीरज भारती को जमानत मिल गई है। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने नीरज भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे, लेकिन ऊपरी कोर्ट से दोपहर बाद भारती को बड़ी राहत मिली है। पूर्व सीपीएस व कांग्रेस विधायक रहे कांगड़ा ज्वाली के नीरज भारती को सीआईडी ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नीरज भारती को मंगलवार तक पुलिस रिमांड में भेजा था। मंगलवार सुबह नीरज भारती को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सीआईडी ने उनका रिमांड नहीं मांगा। ऐसे में भारती को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, पर भारती की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। जैसा कि सबको ज्ञात है कि आज तक तो नीरज भारती का पुलिस बयान था, तो सुबह 10 बजे नीरज भारती को जो सीजीएम साहब है उनकी अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर जो सीआईडी जो पुलिस ब्रांच है उन्होंने खुद आगे ये कहा कि जी हमें इसकी और कस्टडी की जरूरत नहीं है और कोई भी पूछताछ जो है हमने इसे और नहीं करनी है। और इसके बाद हमने एक्चुअली अपील एप्लीकेशन पहले ही लगा रखी थी, क्योंकि उन जज साहब जो हैं सीजीएम साहब, उनके पास इस बेल देने का अख्तियार नहीं था, तो इसलिए हमने सेशन जज जो थे शिमला के उनके पास एप्लीकेशन लगाई हुई थी। तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जो हैं श्री शरद लगवाल जी, उनके पास बेल एप्लीकेशन की सुनवाई हुई और उन्होंने 2 बजे ये ऑर्डर पास किया है कि उसको ही इज एंटाइटल फॉर दी बेल और 50,000 का जो है जमानत और मुचलका जो है उसके ऊपर उसकी बेल दे दी गई है उसको। सर बेसिकली जो क्या लगता है कि किस तरह का मामला रहा है? अब देखिए, हमने कोर्ट में भी यही कहा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड का मामला है और इसमें जहाँ तक देशद्रोह वाली बात है वो देशद्रोह वाली बात नहीं बनती है, क्योंकि यही कहा गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है एक आदमी का वो है और वो रहेगा, क्योंकि हम ऐसी स्टेट में नहीं रह रहे हैं कि जहाँ पर इमरजेंसी है या डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें हर एक आदमी को बोलने का अधिकार है। तो इसको भी अधिकार था, इसने बोला, इसने लिखा। अब वो डिबेटेबल क्वेश्चन है कि क्या वो 124A की अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, तो हमने कोर्ट में भी आज यही बहस की कि वो अंतर्गत इसके नहीं आता है। तो कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, अब कोर्ट की जो अंदर की बातें हैं वो सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन कोर्ट ने अल्टीमेटली दोनों पार्टीज को सुन के हमारे को जो है उन्हें जमानत जो है दे दी। अब क्यों नीरज भारती को क्यों ले गए सर सीआईडी वाले? क्योंकि वो लेके नहीं गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनको जुडिशियल रिमांड दिया है, तो जुडिशियल रिमांड मीन्स द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, तो उसके लिए उनको कैथू जो है उनको रखा जाएगा जब तक, क्योंकि जमानत हो गई है, हम अपने जो उनके फादर आ गए हैं वो जमानत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।